बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। आपने बेटा लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी जो होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है। मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करते तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, जिसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम अगर लीनियर मोमेंटम को उसके पोजीशन वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो हमारा बेटा आंसर आएगा, उसे हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। जैसे बेटा लिखा हुआ है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर, सपोज करें हमारे पास एक ये रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी पर अगर मैं इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई जाए इस पर, सपोज करें यहां पर हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। अगर बेटा यहां पर हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो ये मैस m इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन इसकी वेलोसिटी ये होगी। अगर वेलोसिटी ये है तो हमें पता है जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन भी स्ट्रेट इस तरफ होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसका फिक्स है। अब ये इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा। जैसे ही पॉइंट के गिर्द रोटेट करेगा तो उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम, जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा उसे हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। किन दो जोड़ों से मिलकर बनेगा? जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाई है वहां से उस पॉइंट तक डिस्टेंस, जो पॉइंट फिक्स है मीन पोजिशन वेक्टर आर, और जो फोर्स लगाने की वजह से लीनियर मोमेंटम बना है, इन दोनों का प्रोडक्ट। दोबारा से बेटा सुने, जिस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाई है वहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जिस पॉइंट को आपने फिक्स कर दिया है, इसे पोजिशन वेक्टर कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय जो इसका लीनियर मोमेंटम है। तो इसी वजह से बेटा लिखा हुआ है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का, इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इसे क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मैथमेटिकल बेटा लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ये एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसके दरमियान? पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस पी के दरमियान, वेयर एल, एल बेटा यहां पर क्या है? एल रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम को। एल बेटा किसी को रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर मोमेंटम को। और पी किसी को रिप्रेजेंट करता है? लीनियर मोमेंटम को। हमें बेटा ये पढ़ा था, अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान आ जाए, इट मींस इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। इसलिए बेटा एंगुलर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है? राइट हैंड रूल से निकाली जा सकती है। राइट हैंड रूल हमने बेटा पढ़ा हुआ है, सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर में पिछले टॉपिक्स में भी हमने राइट हैंड रूल पढ़ा है। अच्छा बेटा अब हमें बताए, यहां पर दो अलग अलग फिगर्स हमने बनाई। नंबर वन बेटा, अगर देखिए इस पर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन है इस मैस पर, तो बेटा इसकी वेलोसिटी ये होगी। इस वेलोसिटी की वजह से इसका मोमेंटम भी बेटा ये होगा। अब मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल बेटा 90 नहीं है, तो बेटा जो भी एंगल होगे वो ही लिखेंगे एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा। लेकिन अगर बेटा एंगल 90, जैसे इस केस में फोर्स स्ट्रेट इस डायरेक्शन में लग रही है कि वो पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रही है 90 का, तो बेटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 तो एंगुलर मोमेंटम बेटा हमारे पास हो जाएगा आर पी साइन 90 डिग्री। और साइन 90 हमें पता बेटा कितना होता है? साइन 91 होता है। जब यहां पर 1 लिखेंगे तो एल इज इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या रहेगा? आर इंटू पी। हमें बेटा ये भी पता है पी इज इक्वल टू होता है मैस इंटू वेलोसिटी यानी लीनियर मोमेंटम, तो बेटा लीनियर मोमेंटम की जगह उसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमने बेटा उसकी वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास बन गया आर एम इंटू वी। सिंपली हम बेटा इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम वी आर। इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है प्रूव दैट एल इज इक्वल टू एम वी आर। बेटा इसके यूनिट की बात करते हैं, इसके यूनिट से हम बेटा ये निकालेंगे, हमें पता है मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और पोजीशन वेक्टर आर का क्या होता है बेटा? मीटर। मीटर मीटर से मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा क्या बन जाएगा? मीटर का स्क्वायर पर सेकंड। चलो बेटा बाजू का एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड के अलावा भी कोई होता है, या एमसीक्यूज में आ रहा था, तो बेटा उसके अलावा भी एक और यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं जूल सेकंड। अब ये जूल सेकंड बेटा कैसे आता है? मैंने यही चीज को ट्राई किया है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड बेटा सेम होने ही था, मैस किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और पोजीशन वेक्टर का मीटर। अच्छा बेटा इस मीटर को हमने सेपरेट कर लिया है,
ये सेम चीज रही है, एस से मल्टीप्लाई यानी सेकंड से ही मल्टीप्लाई और सेकंड से ही डिवाइड कर दिया। ये सेकंड बेटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड मीटर वैसे और ये सेकंड वैसे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा किसके इक्वल होता है, न्यूटन के इक्वल होता है। तो हमने बेटा इसकी इसको रिप्लेस कर दिया किस चीज के साथ, न्यूटन के साथ। बेटा इस सारी वैल्यूज की जगह पे हमने क्या चीज लिख दी है, न्यूटन लिख दिया। अब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर बेटा किसके इक्वल होता है, जौल के इक्वल। तो बेटा न्यूटन मीटर की जगह पर क्या आ चुका है, जौल और ये सेकंड वैसे ही। तो लिहाजा एंगुलर मोमेंटम का एक और यूनिट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जौल सेकंड। इंपॉर्टेंट बेटा, अगर डायमेंशन आपने लिखनी हो तो डायमेंशन हम यही से बेटा लिख सकते हैं। हमें पता है किलोग्राम की जगह पर कैपिटल एम, उसकी जगह पर बेटा कैपिटल एम को रिप्लेस कर देंगे। मीटर की जगह पर कैपिटल एल, उसका स्क्वायर है तो हम बेटा स्क्वायर ले लेंगे। सेकंड की जगह पर कैपिटल टी, टी और पावर -1 है तो -1 ले लेंगे। तो बेटा ये इसकी क्या बन जाएंगी, डायमेंशन बन जाएंगी एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान। एंगुलर मोमेंटम बेटा अभी हमने निकाला है, एंगुलर मोमेंटम इज क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो हमने बेटा लिख दिया एम वी आर। हमें पता बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, काफी बार हम पढ़ चुके हैं बेटा, वो होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर वी इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके आगे बेटा हम यही पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बेटा हम लिख सकते हैं इस एल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा हमने लिख दिया एम, वी की जगह उसकी वैल्यू और आर बेटा वैसे ही लिख देंगे। तो बेटा वी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, आर ओमेगा, तो हम यहां पर भी लिख देंगे आर एंड ओमेगा। बेटा ये आर और ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा। तो बेटा एम आर स्क्वायर ओमेगा हमें पता है क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा बेटा हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। तो बेटा इसको रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा आई इंटू ओमेगा, विच इज एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा ये हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा एंगुलर